Good morning, everyone. I am Prisha, the Vice President of Kabul Convent NSS. Today, we are here to spread awareness regarding oral health. We have the four sub-leaders for this activity who are conducting this event today. So I would like to hand over the stage to the four sub-leaders, Adya, Anandi, Gayatri, and Vani. We should have had Dr. Sameer Makkar here, who's an MDS in conservative dentistry and endodontics with more than 20 years of clinical practice and academics, is presently head of department in Bhojia Dental College, Baddi. He has a number of publications in national and international journals and also 7 books to his credit. A poet at heart, he believes in living in the moment. Now, due to some reasons, he won't be able to join us, so we're going to continue with the presentation. Oral health for teenagers. Oral hygiene, which includes अपने मुंह और दांतों की सफाई रखना, एक बहुत ही जरूरी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है. Our mouth is known as the gateway to our body. हम जो भी खाना खाएं हमारे मुंह से जाता है और इसलिए इसकी सफाई रखना बहुत ही जरूरी है. गम्स में रेडनेस होना या दांतों पे डिपॉजिट्स होना अक्सर अनहेल्दी ओरल हाइजीन की वजह से होता है. टीनेजर्स या फिर 13 से 18 साल वाले बच्चों में एक क्रिटिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट या ग्रोथ पीरियड में होते हैं जहाँ पे डेंटल प्रॉब्लम्स अक्सर लाइफ लॉन्ग हेल्थ प्रॉब्लम्स तक पहुँचा सकते हैं. दांतों में कीड़ा लगना, अपने खाना ढंग से ना खाना, एक अच्छी स्माइल के लिए दांत साफ और सफेद चाहना, पायोरिया और मसूड़ों की बीमारी का होना, डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगना, स्मोकिंग और ड्रग्स का यूज करना आदि आदि कारणों की वजह से अक्सर टीनेजर्स के लिए ओरल हेल्थ ओरल हाइजीन रखना काफी जरूरी होता है. बैड ब्रेथ यानी मुंह से बदबू आना एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जो हम कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर फेस करते हैं. इसके कारण होते हैं ढंग से ब्रश ना करना, गम्स में इन्फेक्शन होना या दांत में कीड़ा लगना या शरीर में कोई इंटरनल बीमारी होना. कैविटीज यानी दांतों का सड़ना या दांतों में कीड़ा लगना, ठीक से ब्रश ना करने से और दांतों में खाना ज्यादा देर चिपकने से दांत में अक्सर कीड़ा लग जाता है. याद रखें ये हमारे परमानेंट दांत हैं और अगर हम इनकी देखभाल ना रखें ये बार बार वापस नहीं आएंगे. इसलिए ओरल हाइजीन यानी अपने मुंह और दांतों की सफाई रखना बहुत ही जरूरी है. तो अभी अभी आपको पता चला कि हमारे दांतों में कैविटीज कैसे होती हैं और अब उसका एक और रीजन है शुगर इनटेक. तो शुगर इनटेक का मतलब है कि जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं जैसे चॉकलेट्स या फिर कोई भी मिठाई तो उसकी वजह से हमारे दांत में कैविटीज हो जाती हैं. सो अब बच्चे हैं तो खाएंगे तो, लेकिन अगर हम उसे साफ करना है तो हमें रोज ब्रश करना चाहिए और अच्छे से ब्रश करना चाहिए टाइम लेके ताकि हमारे दांतों में कोई कैविटीज ना हो. नेक्स्ट इज विजडम टूथ.
तो विजडम टूथ हमारे जो आखिरी दांत होता है वो विजडम टूथ होता है जो एक बच्चे पे आता है। ये इसलिए आने की कोई एज नहीं होती, ये कभी भी आ सकता है। इट मे बी इन टीनेजर्स और जब आप एडल्ट हो जाओगे तब आएगा। और जब भी आपको आ जाए विजडम टीथ रिमूवल यानी उसको हटाना बहुत ही कॉमन तरीका है जिससे आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट है फिजिकल गेम्स। जो भी आप कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट खेलते हो, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट का मतलब जैसे कोई फुटबॉल बास्केटबॉल जहाँ पे आप दूसरे बंदे के साथ आपका वो इंटरेक्शन होती है तो उससे भी आपके दांत टूट सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप माउथ गार्ड पहन के खेलो जिससे आपके दांतों में भी दांत भी आपके ठीक रहें। नेक्स्ट है ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो सबसे जो बड़ा ओरल हाइजीन का होता है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स, कि अगर आप अच्छा से न्यूट्रिशनल खाना जिसमें सब कुछ हो वो आप नहीं खाओ तो उसकी वजह से भी दांत खराब हो जाते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ और अपना खाना दोनों अच्छे से खाओ ताकि आपके दांत भी ठीक रहें। नेक्स्ट है स्मोकिंग। तो अभी आपको पता चला कि स्मोकिंग करने से दांत खराब हो जाते हैं और उसके बहुत सारे दांत ही नहीं लेकिन और बहुत कुछ खराब हो जाता है। बैड ब्रेथ, टीथ स्टेनिंग, डैमेज सेंस ऑफ स्मेल, सेंसिटिविटी टू हीट एंड कोल्ड, टार्टर एंड प्लेक एक्यूमुलेशन एंड गमलन रिसेशन, ये एक कॉमन वो है जो स्मोकिंग करने से हो जाते हैं। प्रिवेंट्स द टूथपेस्ट दैट इज हमारे दांत सड़ने से बचाता है। इट प्रिवेंट्स गम डिजीज विच कैन डैमेज गम टिश्यू एंड बोन दैट सपोर्ट आवर टीथ। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे दांत गिरने के भी चांसेस हो सकते हैं। एंड इट प्रिवेंट्स बैड ब्रेथ। जैसा पहले कहा गया कि हमारे मुंह से बदबू आना एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है तो इसको वो प्रिवेंट करता है। इट हेल्प्स कीप टीथ वाइल्ड बाय प्रिवेंटिंग स्टेनिंग फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक एंड इट इम्प्रूव्स ओवरऑल हेल्थ। बेसिक स्टेप्स ऑफ मेंटेनिंग ओरल हाइजीन। हम ये कैसे कर सकते हैं। हमें अपने दांतों को दो बार ब्रश करना चाहिए दिन में और आफ्टर एवरी वीक। हमें प्रॉपर डाइट फॉलो करनी चाहिए। हमें हमारा मुंह रेगुलरली धोना चाहिए पानी से और रिंस करना चाहिए एंड रेगुलर डेंटल चेकअप भी करवाने चाहिए। जैसा पहले कहा गया कि ब्रशिंग करनी चाहिए और अगर हम उसको ब्रश कैसे कर सकते हैं हमारे दांत, हम हमें सॉफ्ट ब्रिस्टल्स वाले टूथब्रश यूज करना चाहिए। हमें एंटी कैविटी फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। ब्रश या टीथ फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 मिनट्स और एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड ब्रश योर गम्स एंड टंग अलोंग विद योर टीथ। रेगुलर डेंटल चेकअप। तो हमारा जो रेगुलर हमारा जो ओरल हाइजीन है इट शुड बी अ मिक्स्ड एफर्ट, अ जॉइंट एफर्ट बिटवीन यू एंड योर डेंटिस्ट। हमें हमेशा अपने डेंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए क्योंकि डेंटिस्ट ही है जो हमारी मुंह की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकता है एंड प्रिवेंट कर सकता है। एंड रेगुलर डेंटल चेकअप इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ अ डेंटल हाइजीन रूटीन फॉर यंग एंड ओल्ड अलाइक। तो अगर हम छोटे हैं या हम बड़े हैं हमारे मुंह की डेंटल हेल्थ का ध्यान। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू। यस मैम, आनंदी हैज अ लिटिल क्वेस्ट फॉर द बापूराम स्टूडेंट। ओके आनंदी, वी हैव 3 questions। पहला क्वेश्चन है, एक मिनट आनंदी एक मिनट yes. पहले मैं ना इन बच्चों को ना मैं ऐड कर लूं आपके साथ ताकि आपके पास स्क्रीन पे होंगे। और आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटू, आप लोग अपना अनम्यूट म्यूट करो, आप लोग सब लोग म्यूट करो अपना, म्यूट करो पहले वरना आपको सुनाई नहीं देगा, फिर अनम्यूट करके आपने बोलना है। बच्चे थोड़ा सा हम ना ये प्रोसेस को सीखेंगे, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो ना तो जिसको बोलना है वो अनम्यूट करेगा। आप फिर से सुनो दीदी का क्वेश्चन। यस अनादी, क्वेश्चन इज कि ओरल हेल्थ होता क्या है। ओके वी विल गिव इट टू दिस वन।
बोलो शिवम और जैसे कि नाक की सफाई के लिए हम इस सफाई रखने के लिए ये दिव्या ने बोला है। ओके आगे बोलो शिवम। मैम शिव ने मैम मैंने बोल दिया। अच्छा शिव ने बोला है। दिव्या आप बोलो बेटू। मैम अपनी हमारी की दांत की हेल्थ होती है उसके बारे में हमें जो बताते हैं। ओके वैष्णवी आप बोलो। वैष्णवी वैष्णवी आपके हैंड किसकी है जो हमारे दांत की हेल्थ। बोलो बेटा। मैम और इसकी फायदा से हम अपने दांतों की केयर करते हैं। हाँ ठीक है। सोनिया आप बोलो। सोनिया बोलो। सोनिया और अंशिका बोलो। बोलो बेटा। ओके लास्ट में। ओके लास्ट में रुखसार आप बोलो बेटा। रुखसार रुखसार आप बोलो। मैम हेल्थ एंड हाइजीन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो बेटा अनादि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैविटीज क्या होता है। अभी हम रावी आप बताओ। यस रावी। नहीं 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 आप मैम दांत का भी कीड़ा लग जाना। बेटू सबको सबको टर्न मिलेगा। रुको 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 पहले रावी से पूछते हैं। यस रावी आप बोलो। मैम जैसे दांतों में कीड़े लग जाना। ओके तमाना बताओ आप बताओ। मैम मैं बताऊं। कॉकरोच होते हैं खा लेते हैं ना तो इसकी वजह से ना मीठे जो होते हैं ना वो ना दांत में कीड़े लग जाते हैं इनकी वजह से। ओके शमाना ने ये कहा वेरी गुड। ओके नेक्स्ट दिव्या आप मैम कैविटी हमारे दांत जो खोखले हो जाते हैं जो ब्लैक हो जाते हैं उसे कैविटी कहते हैं। ओके ये हम ये आरती ने बोला है। आरती ने बोला ये। दिव्या बोलो। एक में सबको चांस मिलेगा बेटा रुको। हाँ जी बोलो दिव्या। जो हम खाना खाते हैं वो अगर हमारे दांत में जाती है हम सही से ब्रश ना करें तो हमारे दांत में कीड़े पड़ जाते हैं और थोड़े से कालेपन से हो जाते हैं देखने से भी पता चलता है कि इसमें कैविटीज हो गई। ओके दिव्या। वैष्णवी आप मैम जैसे हम चॉकलेट खाते हैं कोई नीचे से आता तो हमारे दांत में ना कीड़े लग जाते हैं जो हम सही से ब्रशिंग नहीं करते। वेरी गुड। एक बात आपको बताऊं। एक मिनट एक बात बताऊं। मैं डिसिप्लिन भी देख रही हूं। सोनिया और अर्शिया का डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है। अगर डिसिप्लिन के मार्क्स देने जाए ना तो सोनिया अर्शिया अपना हैंड रेस करके रखते हैं लेकिन बोलते नहीं है। बेटा हमें डिसिप्लिन सीखना चाहिए ठीक है। तो सोनिया अर्शिया यस बोलो बेटा। मैं सबके चांस लूंगी ऐसा नहीं है। यस बोलो सोनिया। बोलो बेटा सोनिया अर्शिया। मैम दे आंट अनम्यूटेड। बेटा सोनिया आपका नहीं सुनाई दे रहा है प्लीज। हाँ अनम्यूट करो। मैम बैड ब्रीथ। हाँ ब्रेड ब्रेथ। मैम जो ड्रग्स लोग खाते हैं ब्रश ना नहीं करते ड्रग्स तंबाकू खाता उसकी वजह से कैविटीज हो जाते हैं। मीठा खाने से भी कैविटीज हो जाते हैं। तंबाकू दांत मतलब काले पड़ जाते हैं अंदर से उनमें कीड़े लग जाते हैं। ओके अभी इसमें हमारा। ओके बेटा थैंक यू। शमाना आप बोलो अनम्यूट करो। मैम जो लोग मैम जो लोग मैम हाँ जी बोलो। मैम जो लोग बीड़ी वगैरह पीते हैं एकदम से ब्रश नहीं करते इसके ऊपर से खाना खाने लग जाते हैं और एकदम से इनके दांतों में ना कीड़े पड़ जाते हैं मैम। ओके थैंक यू नादी। अब कितने क्वेश्चंस हैं बेटा और अभी मैम वन लास्ट क्वेश्चन। ओके लास्ट क्वेश्चन है। सब लोग अलर्ट रहना म्यूट करके रखना मैं सबको चांस दूंगी। यस अनादि। ओरल हेल्थ को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। एक मिनट। यस अभी सिमरन बोलेगी। सिमरन की तरफ से यस। मैम हमें दो टाइम ब्रश करना चाहिए और मैम मीठा कम से कम खाना चाहिए। अगर मीठा खाते तो मैम उसके बाद कुल्लिया वगैरह करनी चाहिए और मीठे एक कोने में रहने देने चाहिए और पानी पीना चाहिए मीठा खाने के बाद।
ओके नेक्स्ट आप बताओ बेटा रुखसार आप बताओ रुखसार ओके ओके रुखसार अच्छा दिव्या आप बताओ और उसके बाद अच्छे से मुंह खुला करना है तो ओके संध्या आप बोलो संध्या आप बोलो बोलो मैम दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए एक सुबह और एक शाम को और कुछ भी मीठा खाने से पहले पहले हमें कुल्ली कर लेनी चाहिए फिर बाद में भी करनी चाहिए जब हम खा लेते हैं तो ओके शमाना आप बोलो मैम जैसे कि ना दिन में तो दो बार ब्रश करना चाहिए और मैम ये ना थोड़ा मीठा कम से कम खाना चाहिए टॉफीज ज्यादा नहीं खानी चाहिए जैसे चॉकलेट टॉफीज ये नहीं खानी चाहिए मैम खा लो पर इतनी नहीं खाओ मैम और थोड़ा थोड़ा मेंटेन करके खानी चाहिए मैम ओके यस सोनिया अंशिका मैम डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए ओके ठीक है रावी आप मैम हाँ बोलो बोलो अंशिका बोलो बोलो मैम फिजिकल एक्टिविटीज करते टाइम अपने दांतों पे प्रोटेक्शन लगा के रखनी चाहिए जिससे दांतों को मतलब दांतों में प्रॉब्लम ना हो रेगुलर डेंटिस्ट के पास चेकअप करवाना चाहिए एंड ब्रश हमेशा मतलब ट्विस अ डे करना चाहिए एंड एंड हमेशा जो ब्रश है वो ब्रश जो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश से ब्रश करना चाहिए एंटी कैविटी वाला टूथपेस्ट यूज करना चाहिए ओके एंड कम से कम मीठा खाना चाहिए ओके एंड यस अगर खाते हैं तो फिर उसके बाद खुला करते रहना चाहिए ओके राबी आप बोलो बेटा लास्ट है राबी मैम हम जब भी रात में खाना खाते हैं तो हमें खाना खाने के बाद हमें ब्रश जरूर करना चाहिए ओके 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 सो आई थिंक वी हैव कवर्ड नाउ ओवर टू यू मैम वैष्णवी ओके यस वैष्णवी बोलो बेटा बोलो वैष्णवी लास्ट बोलो वैष्णवी और ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम लेने जिससे कि हमारे जो टूथ है वो हमारे ज्यादा खराब ना हो माउथ गार्ड लगाना चाहिए ज्यादातर और ओके बेटा ओके 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटू थैंक यू बस बेटू बस 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 ओवर नहीं बेटू थैंक यू टाइम अप हो गया अब हमारा थैंक यू ओके आद्या आपका हूँ बेटू हैंड रेज कीजिए आप हैंड रेज कीजिए आद्या ओके तो नाउ ओवर टू यू ऑल यस प्रीशा मैम वी आर डन फॉर दिस फंक्शन ओके थैंक यू सो मच द एंटायर टीम मेंबर आई एम मिसिंग वानी वानी इफ यू कैन जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई कैन टेक यू हियर यस वानी इज हियर ओके सो थैंक यू एंटायर टीम मेंबर्स एंड यू हैव डन रियली ग्रेट जॉब और बेस्ट थिंग मुझे आप लोगों में ये लगी बच्चों कि आप लोगों ने सबको हिंदी में समझाया दैट इज गुड क्योंकि जिसकी जो लैंग्वेज है हमें उसमें समझाना चाहिए ना हमारी तो इंग्लिश में कमांड है ही लेकिन जैसा जो माहौल होता है उसके हिसाब से हमें समझाना चाहिए और आपने बिल्कुल बच्चों के लेवल पे उतर के उनके लिए वैसे ही क्विज तैयार किया जो उनको समझ आ जाए और ईजी किया तो थैंक यू आद्या प्लीज मैं आपके फादर को प्लीज मेरी तरफ से तहे दिल से माफी मांगना और कहना कि सॉरी नेक्स्ट टाइम हम जरूर उनको लेंगे अपने साथ लेकिन थोड़ी कंडीशंस थी कि हम नहीं ले पाए अदरवाइज वी वुड वेलकम सम द सर सम अदर टाइम सो थैंक यू फॉर लाइक गिविंग सच अ गुड प्रेजेंटेशन फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल सो थैंक यू एवरीवन थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल